नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। तो बताते हैं आपको कि आज मार्केट तो थोड़ा सा अप है 92 पॉइंट्स, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखिए आपके सामने स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं जिसमें लगातार तेज़ी बनी हुई थी लंबे समय से और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे बड़े इंडेक्सेस को, निफ्टी को, सेंसेक्स को, उनसे ज़्यादा ये शेयर चल रहे थे। तो इनमें आज सेलिंग आई है और ये सेलिंग इनमें कम आती है, लेकिन आज इनमें सेलिंग आई है, जबकि बाकी जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं निफ्टी सेंसेक्स वो इतना नहीं गिरे। आज ये स्मॉल कैप वाले ज़्यादा गिरे हैं। देखिए BSE स्मॉल कैप सेलेक्ट इंडेक्स 1% से ज़्यादा डाउन है। BSE स्मॉल कैप जो मेन इंडेक्स है वो 0.63% डाउन है। BSE 250 स्मॉल कैप 0.77% डाउन है, और जबकि इंडेक्स जो है वो 0.14% अप है सेंसेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके स्टॉक्स में सेलिंग ज़्यादा है आज, और मार्केट अप है, इंडेक्स अप है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज सेलिंग ज़्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी सारा पैसा स्मॉल कैप वाले इंडेक्स फंड्स में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की पसंद स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो सारा पैसा जो म्यूचुअल फंड में आ रहा है वो स्मॉल कैप वाले फंड्स में आ रहा है, वो पैसा मार्केट में लग रहा है इन स्टॉक्स में। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको नोट करना बहुत अहम है, क्योंकि ये इनमें जो सेलिंग है वो कम आती है और आज आई है, तो ये हम आपके लिए फ्लैग कर रहे हैं। तो देखिए आज क्या हुआ है कि आज एक तो मार्केट तो थोड़ा सा अप है, उसके अलावा जो हमने आपको बताया कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट है, तो देखिए आपके सामने जिंदल स्टेनलेस 5% से ज़्यादा डाउन, सुजलॉन देखिए सर्किट लगा हुआ है नीचे का 5% डाउन है, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4.5% डाउन है, KER इंडस्ट्रीज 4% से ज़्यादा डाउन है, KPIT टेक्नोलॉजीज 4% से ज़्यादा डाउन है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स आज गिरे हैं, इसकी वजह से इंडेक्स में भी गिरावट आई है। अब इसके अलावा जो आज वीक सेगमेंट चल रहा था वो था प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनमें काफ़ी गिरावट आई है। अब ये मैं आपको सेंसेक्स के जो बड़े हैवीवेट बैंक्स हैं उनका बता रहा हूँ। इंडसइंड बैंक देखिए 2% से ज़्यादा डाउन, कोटक 1% से ज़्यादा डाउन, तो ये स्टॉक्स जो हैं ये डाउन चले गए। आज का जो स्टार परफॉर्मर है, जो स्टॉक आज बिल्कुल शाइन किया है जिसने, वो है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ये देखिए स्टॉक में ऊपर का सर्किट लगा हुआ है, तो इसमें देखिए कि बायर की सिर्फ क्वांटिटी है, सेलर है ही नहीं, तो इसमें ऊपर का सर्किट लग गया 20% का, और ये बड़ा स्टॉक है, देखिए 71,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेमीकंडक्टर्स एरिया में जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की असेंबली का, उसके बाद ही स्टॉक में रिएक्शन आया 20% का ऊपर का सर्किट। उसके अलावा आज जो पावर स्टॉक्स थे सेंसेक्स के और बाकी भी, CG पावर भी हमने आपको बताया वो भी पावर सेक्टर का है, और सेंसेक्स के स्टॉक्स में देखिए NTPC 1% से ऊपर गया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और पावर ग्रिड ये भी 1% से ऊपर गया। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज वीक थे, तो वो इंडेक्स काफ़ी दिन से उसके स्टॉक्स भाग रहे हैं, आज उसमें थोड़ा करेक्शन है, जैसे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी, ये थोड़ा 1-2% करके डाउन गए थे। तो आज मार्केट थोड़ा अप है, लेकिन आज की बड़ी खबर कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में सेलिंग है, इंडेक्स गिरा है और मेन इंडेक्स से ज़्यादा गिरा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।